ये वाली जो रेसिपी है ना, जब वो टर्न होगी ना तो आपको यही लगेगा कि उसके अंदर एग की होगी, लेकिन ये एग वाली रेसिपी नहीं है। ये रेसिपी आप घर पे इजीली सूजी के साथ बना सकते हो और आप बड़े बच्चे लोग दोनों साथ में मिलके एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करा, पहले तो सूजी ली, उसके अंदर आपके पास जो सब्जियाँ हो ना वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, टमाटर, अनियन, उसी के साथ साथ थोड़ी ग्रीन चिली पीस, ये सारी चीज़ें डाली हैं। अगर आप यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रहे हो तो ग्रीन चिली स्किप कर देना, और उसी के साथ साथ सॉल्ट, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और चाट मसाला, धनिया, ये सारी चीज़ें। और ये जो मिक्सचर मैंने डाला है वो योगर्ट और पानी दोनों मिक्स कर दिया था, और स्लोली स्लोली करके डालना है, एक साथ में नहीं डालना है, और कुछ इस टाइप का हमें थिक बैटर बनाना है। अभी नेक्स्ट क्या है, पैन पे बटर डालना है, ब्रेड की स्लाइस लेनी है, और वो जो मिक्सचर बनाया था उसको अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है एक साइड पे। जैसे वो हो जाए टर्न करके उसको पैन पे सेकने के लिए छोड़ देंगे, और उसी के साइड पे ऊपर से वापस ऊपर से पूरा अच्छी तरह से मिक्सचर लगा देंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डालना हो तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज को सीधा भी पलट सकते हो, और उसको दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर ज़्यादा बटरी चाहिए तो आप थोड़ा सा बटर डाल के एकदम कुरकुरा कर लेना, और बहुत सिंपल, बहुत ईजी, घर पर ईजिली बना सकते हो। सो खाना बनाना, और लाइक, शेयर और फॉलो करके जाना मुझे। थैंक यू।